Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के पास लाइव रिएक्शन लेकर पब्लिक का, और आज रिलीज हुई है सिनेमाघरों में टोटल धमाल। या दोस्तों जिसका पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था जो देवगन के फैंस के थ्रू, आज वो फैंस थिएटर में हैं और आज उनसे जानेंगे कि उन्हें आखिरकार ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर जो कि एक से बढ़कर एक कॉमेडियन है। देखने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों को ये कॉमेडी कितनी ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों अगर आपने भी ये फिल्म देखी तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो फैंस आ चुके हैं, देखते हैं कि इन्हें कैसा लगा टोटल धमाल देखकर। रोक के रखना थोड़ा। संजय मिश्रा, जो अजय देवगन है, रितेश जबरदस्त जोड़ी सभी की, सभी की एक से बढ़कर एक से बढ़कर। और जो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई है, एक नंबर कॉमेडी थी, स्टोरी थी, सुपर डुपर कुछ एकदम हमारे से मिले, बहुत अच्छी एकदम झक्कास। कितने कितने साल हो गया? 5-10 साल बस। कैसी स्टोरी, कैसी थी? बढ़िया थी। और जो अजय देवगन की एंट्री, मतलब जो सीन थे उसमें इंद्र कुमार ने जो डायरेक्ट किया, वो कैसे लगा? बेस्ट लगे। तो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी। अजय देवगन के फैन हो आप? हाँ। तो आप बता के जाओ कि फिल्म के बारे में कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? देखनी चाहिए, काफ़ी कॉमेडी मूवी है और एक्शन भी करते हुए। एक्शन भी है। VFX कैसे लगे आपको? काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लगे। और जो इसके अंदर संजय मिश्रा और अजय देवगन की जो केमिस्ट्री है, जो कॉमेडी टाइमिंग है, वो कैसी लगी आपको? कितने स्टार्स देंगे आप इसको? 5 स्टार। थैंक यू। कौन चैनल पे गई तो पता? अभी बताऊंगा यार। बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाए। जो एनिमल्स की इसमें सीन लिए गए हैं वो क्या रियल लगते हैं? रियल लगते हुए ये लगता है। और जो कॉमेडी है सब में वो बढ़िया एक्टर, एक में भी ढीला था कुछ नहीं, कोई ढीला ढीला था नहीं रहा, नहीं सब बढ़िया था, सब एक तो एक से बढ़कर एक। तो कितने स्टार दोगे इसको आउट ऑफ 5 स्टार? रेटिंग देंगे ना? थैंक यू भैया। लड़के आइए पकड़ लेना इसको। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी रिएक्शन आ रहे हैं, कैसी लगी फिर? अच्छी लगी, अच्छी लगी है। इसको पकड़ लें। आपको मस्त आपको माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा रिव्यू मिल रहा है। कैसी लगी आपको? बढ़िया। अजय देवगन की फैन हो आप? भाई मजा आ गया। अजय देवगन तो आप बता के जाओ फिल्म के बारे में। भाई बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आ गया देखने। मजा आ गया, बहुत कॉमेडी। अजय देवगन कैसे लगे इसके अंदर? बहुत स्टार, बहुत बढ़िया है, कॉमेडी बहुत बढ़िया की उन्होंने, कॉमेडी बहुत। पहली धमाल से कैसी है? धमाल से बढ़िया है, धमाल से बढ़िया है। और कितने स्टार्स देंगे? दत्त है उसके अंदर, धमाल के अंदर संजय दत्त है, इसमें अजय देवगन है। तो कौन ज्यादा बेटर कर सकता था? दोनों ही बढ़िया है, लेकिन दोनों ही बढ़िया कॉमेडी। कितने स्टार्स होंगे इसका आउट ऑफ 5? 4.5 स्टार। कौन सबसे बेस्ट, कौन सा कौन लगा सबसे? अजय देवगन या फिर संजय मिश्रा या कौन लगा? अजय देवगन। अजय देवगन सबसे बेस्ट। ओके, तो आपको क्या कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा? अरे सॉन्ग अच्छा लगा, स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? एक नंबर मूवी, एक नंबर बिल्कुल। हम आपको कैसी लगी फिल्म? सबको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि अजय देवगन के कितने फैंस आए हैं। गली बॉय रिलीज हुई थी, गली बॉय की काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन फिर भी कैसी लगी गाइस आपको फिल्म?
कॉमेडी कैसी थी? कॉमेडी बढ़िया बहुत। इससे पहले जो कॉमेडी फिल्म्स आई हैं, टोटल धमाल आई है, डबल धमाल आई है, गोलमाल आई है, कैसी लगी उनमें से? लॉजिक है सब कुछ है। फुल मस्ती है। अब देखते हैं कि इन्हें कैसी लगी है फिल्म, सब हंसते हुए तो आ रहे हैं। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी। कॉमेडी लगी? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग मूवी। इंटरेस्टिंग मूवी थी। कौन सबसे फेवरेट लगा आपको? सारी बॉल्स। फिर भी सब में से एक माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित सब माधुरी दीक्षित क्या कर रही है? माधुरी अरे थैंक यू सर। आपको कैसी लगी मैम? आपको कैसी लगी मूवी? मैंने कोई मूवी नहीं देखी। आपने कोई मूवी नहीं देखी? तो गाइस इन्होंने तो खैर कोई मूवी देखी नहीं, लेकिन आपको बता दें जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है यानी कि टोटल धमाल, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर थिएटर से निकले हैं। तो गाइस ये तो तय हो चुका है कि इस फिल्म को देखना बनता है। और जैसा कि अगर हम आप हमसे पूछेंगे तो हम भी आपको बताएंगे कि इसमें 4.5 स्टार्स तो हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि इसके अंदर VFX भी धमाकेदार हैं और साथ ही साथ इसके अंदर एंट्री एग्जिट और जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी धमाकेदार है। दोस्तों और फैंस आ रहे हैं, देखते इन्हें ये फिल्म कैसी लगी है। मूवी नहीं देखता है क्यों? ऐसे क्यों किया? फिर भी बताओ तो देख, कुछ भी नहीं करते हैं क्या? देख के आए टोटल धमाल देख के आए? नहीं देखा है भाई। नहीं देखा है, नहीं देखा है, कोई बात नहीं। गाइस मूवी देख कर आए हो टोटल धमाल? आओ कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी। कॉमेडी? कॉमेडी थी। तो जैसे गली बॉय रिलीज हुई है अभी, तो रणवीर सिंह से टक्कर दे रहा है टोटल धमाल को? टोटल धमाल एक अलग जॉनर। टोटल धमाल अलग ही है। अलग ही है ये? जाएगी 200 करोड़? जाएगी जाएगी। एक भी मतलब ऐसा बोरिंग तो नहीं है? कुछ बोरिंग है तो नहीं है, थोड़ी इमोशनल है। इमोशनल भी है? मैम मूवी देख के आए तो क्या 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 बेस्ट सीन कौन से लगे आपको? बेस्ट सीन जैसे कि पंचेज अच्छे हैं बहुत, और एनिमेशन बहुत अच्छा है एक तरह से। VFX जो अच्छे हैं, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जो स्टोरी जो ट्रेलर से पता चलती है कि वो पैसों के लिए जाते हैं और वो अलग अलग जगहों पर पहुँचते हैं, वो जो सीन आते हैं वो कैसे लगे आपको? सीन अच्छे थे, जैसे किसी ग्राफिक्स वो होता है पैसों के लिए तो मतलब खाली जगह चलते हैं। हाँ। एरिया बहुत अच्छा होता है एक तरह से, और एनिमेशन तो शानदार था। बाकी जैसे कहीं एक पुल वाला सीन आता है वो भी अच्छा था, नदी वाला सीन आता है, और फिर लास्ट में जब जंगल में जाते हैं वो ग्राफिक्स बहुत अच्छा, लेकिन लास्ट जाके थोड़ा इमोशनल कर देते हैं। पिछली धमाल से कैसी थी मतलब कंपेयर? बहुत अच्छी थी पिछली धमाल से। मतलब अजय देवगन का इस टोटल धमाल में रहना वर्थ रहा? देवगन का सही था, अजदेवगन अच्छा था। वैसे एक तरह से होता है कि अक्षय कुमार को लेते तो ज़्यादा मजा आता। अक्षय कुमार ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो जैसा कि ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा था कि जो धमाल के अंदर जो स्टोरी थी कि वो पैसों के लिए ही चेज करते हैं, तो वही इसमें भी है या फिर अलग स्टोरी? वही है, स्टोरी वही है, चेज करते हैं पैसों के लिए सब जाते हैं, बाकी लास्ट में जाके वही इमोशनल हो जाते हैं। स्टोरी वही है सर। तो कितने स्टार्स दोगे आप ओवरऑल फाइव में? 3 स्टार्स। थैंक यू सर। तो गाइस सभी ने अभी तक तो 3 से ज़्यादा ही स्टार्स दिए हैं और बहुत अच्छी बता रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि स्टोरी वही है लेकिन अजय देवगन की एंट्रीज के अंदर बहुत ही अलग है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि अक्षय कुमार इसमें होते तो बात कुछ अलग ही होती, क्योंकि अक्षय कुमार जानते हैं सभी कॉमेडी किंग। तो दोस्तों टोटल धमाल रिलीज़ हो चुकी है और गली बॉय भी पिछले हफ्ते रिलीज़ हो चुकी है, और अभी इनमें काफ़ी तगड़ी टक्कर चल रही है। गली बॉय की अगर स्क्रीन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और टोटल धमाल को 3000 से ज़्यादा की स्क्रीन्स मिली है। लेकिन देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या ये गली बॉय का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि अजय देवगन कोई भी फिल्म करते हैं तो 100 करोड़ के क्लब में ज़रूर और ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन अब इस फिल्म से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कम से कम 150 से 200 करोड़ के क्लब में भी जा सकती है। दोस्तों इसके अंदर जो स्टार कास्ट है यानी कि अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रितेश देशमुख, बोमन ईरानी और अजय देवगन, इतने सारे स्टार्स, और साथ ही में अजय देवगन का जो तड़का इसमें लगाया गया है वो और भी ज़्यादा इस फिल्म को बेहतरीन बना देता है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा था टोटल धमाल और डबल धमाल के अंदर संजय दत्त को, जिन्होंने काफ़ी अच्छी कॉमेडी की थी, लेकिन इस बार अजय देवगन ने भी
बहुत ही बखूबी इस किरदार को निभाया है और उनकी जो केमिस्ट्री संजय मिश्रा के साथ में देखने को मिलती है वो तो लाजवाब है। दोस्तों अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले ऐसे ही पब्लिक रिएक्शन सबसे पहले और पब्लिक न्यूज़ यानी कि बॉलीवुड न्यूज़ सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.